हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाली है। और स्पेशल क्यों होने वाली है, आज जितिया पूजा की पारन है। तो अभी उठे हुए हैं, 6 बजे उठ चुके थे और 10 बजे, इस बार 10 बजे की पारन है, तो इसीलिए हम लोग आराम से उठे हुए हैं और आराम से खाना भी बनाना है। 10 बजे ही पारन होगी, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं। और खाना में क्या चीज़ बनाएंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे पास ट्राईपॉड भी नहीं है, मैं नहीं लाई हूँ, तो आपको शूट करके दिखाते हैं। डायरेक्ट आपको हम दिखाएंगे खाना क्या चीज़ बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, वो भी हम दिखाएंगे। क्या चीज़ क्या चीज़ हमारे पूजा में चढ़ता है, जितिया पूजा में। तो आज हमारी पूजा होगी पारन, तो चिलो सियारों को देंगे। और देखिए कौआ काँव काँव कर रहा है, और इधर चिड़िया भी है यहाँ पे बैठे हुए। तो और एकदम यहाँ का मौसम बहुत एकदम मस्त है। सुबह सुबह की मॉर्निंग के समय है, समय हो रहा है 6, तो एकदम ये देख सकते हो, ये जो आहरा नहरा में है ना पानी भरा हुआ है, ये जो आहरा में अभी पानी भरा हुआ है, ये अगर पहले होता जैसे सावन में होता, सावन भादो में होता, तो पूरा ये दोहर खाली नहीं होता। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एकदम, ये मैं सामने से जूम करके दिखा दे रही हूँ, वाइट वाइट है। ये है बगुला वगैरह, इधर एकदम पूरा देख रहा है, एकदम पूरा कीड़ा मकोड़ा सुबह सुबह एकदम खा रहे हैं, खा रहा एकदम इधर बैठा हुआ है दोस्तों। तो इसी तरह से मॉर्निंग के समय है। और एकदम देख सकते हैं झींगी का, ये झींगी का फूल वगैरह सब है ये। तो इसी झींगी है, नेनुआ है, तो झींगी का फूल तोड़ेंगे, नेनुआ तोड़ेंगे, नेनुआ का पत्ता मतलब झींगी का पत्ता तोड़ेंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और हमारे सूर्यदेव विराजमान हो चुके हैं, आ चुके हैं बाहर। और आज फिलहाल मौसम बहुत मस्त है, सुहाना है, बहुत अच्छा है। तो चलो चलते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं। और हमारी बड़ी दीदी का तबीयत ख़राब हो चुकी है, जैसे उनका सिर में जलन टाइप से दे रहा है। तो चलो जल्दी जल्दी बातें ना करते हुए वहाँ खाना बनाते हैं फटाफट, और पोछा भी लगाना है। तो भाई बहुत सारा काम हो गया है, तो चलो जल्दी चलते हैं फटाफट, और उठ करके चलते हैं, दातुन वगैरह भी ढूंढते हैं। और कल तो दातुन गोदाम, छोटा सा बाज़ार लगता है गोदाम पे हमारा, वहाँ पे आपको मतलब दातुन भी नहीं मिल रहा था, नहीं मिला था। तो इसके लिए अब सोच रहे थे क्या चीज़ का दातुन चढ़ा दे, चिलो सियारों को दे। अंगिया तो भाई यहीं पर बनेगा, यहाँ देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना यहाँ पे, फटाफट दोनों तरफ चढ़ा देंगे तो हमारा खाना भी बन जाएगा। और ये साइड में खाना बन करके तैयार हो रहा है एकदम, यहाँ कांदा भी चिरा चुका है और यहाँ चावल भी बिना रहा है, देख सकते हैं एकदम। ये लग रहा है कि दीदी फटाफट बना करके खा लेंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। कांदा की सब्जी चीर रहे हैं और डर डर से चीर रहे हैं, और मम्मी को ऐसा नहीं करने के लिए बनेगा, इसलिए हमारी मम्मी नहीं चीरे हैं। कम आए ऐसे नहीं कर लगा लेना, ऐसे ही रोवा हमरा दे देली ना। तो का है कर अब ऐसे मोड़ने नहीं पड़ेगा उनको, नहीं इसीलिए पैर में मोड़ पाती है। तो हम काट कूट लेते हैं। और इसमें क्या है ना दोस्तों, आपको जो कंधा है ना चिड़िए अगर ऐसे ऐसे चराट चराट करता है ना, वो कंधा पकता है ना, यही पहचान है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह काट करके रख ली हूँ, और जा रहे हैं सब्जी बनाने के लिए किचन में। और तेल वगैरह डाल दिए हैं, देख सकते हैं तेल को डाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। और सब्जी काट करके रख लिए हैं, कांदा है, करेला है, और भिंडी और झींगी और प्याज वगैरह काट के रखे हैं, और साग दीदी जाएंगे लेने के लिए। और ये है चावल और दाल निकाल करके रखे हुए हैं, चढ़ा दिए हैं। और दो ठो चूल्हा पे बनेगा, फटाफट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं सब्जी को धो लेते हैं। और ये है हमारी छोटी सी किचन, तो इधर बाहर से पानी लाना पड़ता है आंगन से। तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे फटाफट। और तो हमारा खाना पीना बन चुका है, खाना वगैरह बना लिए हैं, सब्जी वगैरह बना लिए हैं, उन्हें पूजा करेंगे उसके बाद दिखाएंगे। और यहाँ पे पोछा वगैरह पूरा कर लिए हैं, पोछा कल लगाए नहीं थे तो आज पूजा करना है, तो आज हम पोछा वगैरह लगा लिए हैं देवता घर के सामने। और इधर हॉल वगैरह अपना रूम वगैरह किचन साफ सफाई हो चुका है हमारा। और ये है जा रहे हैं थाली को मांझ लेते हैं, बर्तन ये थाली जो है इसमें पूजा ये सजाएंगे। और पूछ लेते हैं यहाँ पे थाली अगर है
तो माई से माई वाला थाली को निकालते हैं। फिलहाल तो मेरा थाली ये है और पानी भी चला दिए हैं यहाँ पे, तो बर्तन वगैरह धो लेंगे ना। यहाँ पे दोस्तों मैं जा रही हूँ झींगी के पत्ता तोड़ने के लिए, और यहाँ पे स्लोमो वीडियो हो गया था तो आवाज़ पूरा दब गया था, तो मैं यहाँ पे फास्ट करके वीडियो को ये कर दी हूँ। तो इसी तरह से पूरा स्लोमो था, तो सारा वीडियो स्लोमो हो गया था। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ झींगी का पत्ता तोड़ने के लिए, और यहाँ पर पूरा झींगी का पत्ता ख़राब हो चुका है, तो इसी तरह से हम ढूँढ रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं सारा वीडियो स्लोमो हो चुका है ना, तो इसीलिए ना हम जो बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। और इसी तरह से तोड़ वगैरह के तोड़ के झींगी के पत्ता वगैरह तोड़ लिए हैं, फूल भी तोड़ लिए हैं, और चीलों सियारों को देना होगा तो इसी में देंगे हम। तो यहाँ पे जा रहे हैं, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। नदी होता तो नदी में ही जाकर के नहा धोवा करके पूजा कर लेते हैं वहाँ पर। और यहाँ कल है और हमारा नदी दूर है, ठीक है, तो यहीं पे हम देते हैं चिल्हो सियारों की दतवन। तो हम दे दिए हैं चिल्हो सियारों के दतवन दे दिए हैं, और चलते हैं नहा धोवा करके फिर मिलते हैं आपसे और पूजा करने टाइम में। ये है दोस्तों, ये साड़ी है और इसको सिलवा करके रखे हुए थे तो इसी को पहनेंगे। और वो साड़ी मिला हुआ है जो जितिया पूजा में चाल चला हुआ है, तो बेटी दामाद देंगे। तो ये है भगनी की साड़ी, तो पहले ही दी हुई थी तो इसको सिलवा करके रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी को पहन लेती हूँ, तो इसको पहन करके पूजा करेंगे। और भाई भगनी का दिया हुआ है तो अभी तो सूधी हो जाता है, तो चलो इसको पहन लेते हैं और इसी से पहन करके पूजा करेंगे। तो फिलहाल हम नहा धोवा लेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये है आम का दतवन, तो आम के दतवन से ही धोएंगे, सखुआ के दतवन से धोया जाता है। और हम मतलब मैं चिल्हो सियारों को दिए थे ना, वो हाथी का दतवन था, सखुआ का दतवन था। और ये है सखुआ का दतवन, हम लोग डांटेंगे नहीं गए थे, इसकी वजह से नहीं ले पाए, तो बगल वाले जो है ना बगल से ही दतवन ले करके चढ़ाए। और ये है आम का दतवन, तो आम के दतवन भी सूख होता है तो इसको भी धो लेते हैं। चलिए धो करके और नहा करके डायरेक्ट आपसे मिलते हैं। कंप्लीट हो चुके हैं और बेटी दामाद के यहाँ से साड़ी आई हुई है तो वो पहन लिए हैं। इसको लाइट थोड़ा सा आने दीजिए तो बढ़िया बैकग्राउंड आएगा। तो ये फ्लैश लाइट जलाओ, फ्लैश लाइट करो। तो ये देख सकते हैं हम लोग ये जो पहने हुए हैं ना, तो बेटी दामाद के यहाँ से है, तो एक रिवाज चला हुआ है कि आप मतलब हर जितिया में चली जाती है, देखिए एक बारी हो जाता है जितिया माइके से देना है बेटी को, और एक बारी आ जाता है
कि बेटी दामाद देंगे हम लोग को, तो इस बार हम लोग के लिए आया है, ठीक है। तो चलो पूजा वगैरह कर लेते हैं, खाना वगैरह हम लोग बना चुके हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा हमारा सब्जी है, तो ये कंदा की सब्जी तो चढ़ता ही है, पांच सात प्रकार की सब्जियां होती हैं, और चावल दाल और राई की दाल होती है। और ये देख सकते हैं ये कंदा की सब्जी है, और कंदा की सब्जी, करेला, भिंडी, चरौरी और पेहटा की कचरी और साग और झींगी की सब्जी दोनों मिक्स करके बना दिए हैं। तो ये है हमारी पूजा यहाँ, जैसे हमारे सासू मम्मी करती हैं परंपरा के अनुसार से हम लोग वैसे ही करते हैं। तो मंदिर में भी किया जाता है, लेकिन इधर मंदिर में कोई नहीं जाते हैं, तो हम लोग सुबह ही करते हैं पूजा। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। जल तो कोई नहीं था, पूजा करने के बाद है ना। मैं जीत गया तो वही हो वाले कोई सब झोला में अनन देख सकते हैं हमारा पूजा वगैरह हो गया है, पूजा कर लिए हैं और मड़ुआ के
मतलब पालन कर रहे हैं। और ये है दीदी जो है ना मोबाइल से देख के और ये दूध और घी इसमें डाल दिए हैं ताकि दूधो नहाओ पोतो फलो इस तरह से शायद होगा इसीलिए है ना है? तो इसीलिए ये पहले पीना है। सबसे पहले हम ये मड़ुआ की रोटी से ही पालन करते हैं और उसके बाद ये पियेंगे हम। तो अभी हमारा 11 बज गया है, 11:30 तो लमसम 10 बजे पालन करना था लेकिन 11:30 बज चुका है पूजा मुझे करते हुए तो पालन कर लिए है। तो देख सकते हैं पूजा वगैरह हो गया है, पालन कर रहे हैं और खाना वाना खाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं खाना निकाल रहे हैं देने के लिए और सारे लोग एकदम पूरा भूख से परेशान हो चुके हैं, एकदम बोल रहे हैं कि कब से खाना बन रहा है कब से खाना बन रहा है। हाँ हम खा लिए हैं, पालन कर लिए, उधर दीदी पालन कर रही है। खाओ खाओ जल्दी खाओ, बुखाई ढेर हुआ। और ये देख सकते हैं साथ जो हम लोग चिरो सियारों को चढ़ाए थे जितवाहन बाबा को, तो ये सब मिला जुला करके देंगे, प्रसाद हो गया ना आज का खाना प्रसाद है। तो चावल निकाल रहे हैं, उधर दाल है बराई का। और ये देखा बाबू थोड़ा सा, ये देखा, ये देखिए करेला का भुंजिया, भिंडी का भुंजिया बनाए हुए हैं और ये है कंदा, साखिन कंदा। तो एकदम इसी को चढ़ाया जाता है, ये इसके बिना अधूरा होता है ना बाबू। और ये है पेटा की कचरी और ये है दीदी जी बनाई है चरौरी, चरौरी है। चलो खाना वाना खा लेते हैं। ओकरा में हो जाता है खाना बनना कैसा है, अच्छा बना है। चलिए तो दोस्तों खा करके मिलते हैं फटाफट एकदम, उधर देगा उधर भी दीदी को खा ले के। ये देखिए दोस्तों हमारी मम्मी जी वहाँ पर सुबह से ही बैठे हुए थे और ये देखिए पठरू आ रही है पठरू। अब सबको अपना खाना पीना भी हो गया, पठरू को भी खाना पीना खिलाना पड़ेगा ना। तो 12 बज चुका है और यहाँ पे अभी बर्तन वगैरह धोना बाकी है, नहा धोवा करके कपड़ा भी धोना बाकी है तो ऐसे ही रख दिए हैं देख सकते हैं। और इधर काई पड़ा हुआ है। दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो चुका है, खा पी करके रेडी हो चुके हैं और पूरा अजीब अजीब लग रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे, वीडियो भी एडिटिंग करना है, 6 बजे छोड़ना होगा आज। तो हमारा आज का जितिया पूजा की पारण हो गई है। तो वीडियो कैसा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मिलेगा आपको विलेज वाली ब्लॉग, तो अभी हम गांव में हैं तो गांव का ही ब्लॉग मिलेगा। और आपको गांव का ब्लॉग अच्छा लगता है या कहीं और के लगता है वो भी कमेंट में जल्दी से जल्दी लिखिए, बोलिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों।